ओपोनेंट सवाल पूछ रहे थे कि क्या हुआ आपका तीपरा सा अकॉर्ड, आपको तो धोखा दे दिया, आप फंस गए हो। बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि बस अकॉर्ड साइन हुआ लेकिन अब आगे का क्या रास्ता है, कुछ मालूम नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं आपके सामने आऊं। मैं भी इंतजार कर रहा था, बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं भी अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूं। तो आज एक अनाउंसमेंट है। थोड़े दिन पहले मुझे ये चिट्ठी मिली, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने एक चिट्ठी दिया मुझे, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक चिट्ठी आया फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उन्होंने ये पूरे तिपरासा अकॉर्ड के लिए एक ऑर्डर निकला है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि एक कमेटी बन गया है, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का फॉर तिपरासा अकॉर्ड। कन्वेनर है एके मिश्रा, एडवाइजर नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मेंबर्स में मेरा नाम है प्रद्योत विक्रम माणिक्य, विजय कुमार रांखौल, स्टेट गवर्नमेंट से भी दो मेंबर्स दिए गए हैं, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और एक अपार्ट फ्रॉम एके मिश्रा और एक व्यक्ति को डायरेक्टर सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनको भी पोस्ट में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में दिया गया है। अब ये कागज हमारे पास आ गया है वर्किंग ग्रुप का, और आज थोड़ी देर पहले मुझे और एक चिट्ठी मिला है जो अभी आया है। ये आया है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें लिखा है फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कमिटी इन परस्यूएंस ऑफ द ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट अमंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड तिपरा। I am directed to refer to the ministry regarding the constitution of the joint working group committee in pursuance of the tripartite agreement। और इसमें हमें 20 तारीख को विजय रांखौल और मुझे दिल्ली बुलाया गया है फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के लिए। ये शुरुआत है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था, बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे थे। अब मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली में जाकर मैं अपने लोगों के बारे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो हमारा पॉलिटिकल राइट्स है, जो हमारा इकोनॉमिक राइट्स है, जो हमारे बच्चे का भविष्य, नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर क्या होगा, उसके लिए बात करने के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात ऑफिशियली 20 तारीख से शुरू करूंगा। क्या ये एक दिन में हल होगा? नहीं। क्या ये मतलब कि इतनी आसानी से हमें सब मिल जाएगा? नहीं, बात करना पड़ता है। निगोशिएशन अगर हमने किया और लंबा इसको अपने जगह में डटे हुए रहे, अपना अधिकार मांगा, तो इसके लिए समय भी लगता है। लेकिन अगर मेरे दिल के अंदर मेल नहीं है, अगर विजय रांखौल हम अपने लोगों के बारे बात करेंगे, अपना जमीन का अधिकार के बारे बात करेंगे, अपना स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के बारे उसके लिए बारे बात करेंगे, अगर हम अपना पॉलिटिकल राइट्स के बारे बात करेंगे, फाइनेंशियल पैसे के बारे बात करेंगे, अस्पताल के बारे बात करेंगे, स्कूल्स को अपग्रेड करने के बारे बात करेंगे, तो इसमें हमें बात करना है, कानूनी लीगली बात करना है, और हम बात करेंगे। और एक बात मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, मैं पार्टी को सामने रखकर बात नहीं करूंगा, मैं जाति को सामने रखकर उनके हित के लिए बात करूंगा। और मैं त्रिपुरा में शांति चाहता हूं, बंगालीज हो, मणिपुरीज हो, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियंस हो, बुद्धिस्ट हो, हम सबको एक संग सोचकर आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूं कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े, और उसको अगर आगे बढ़ना है तो आज हमें स्वार्थी नहीं होना है, आज हमें यह सोचना है कि हम अपने लोगों को क्या दे सकते हैं। मैंने बहुत कष्ट उठाया है, मैंने पर्सनली भी बहुत सैक्रिफाइस किया है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि मैं टिपरा मोथा में भी कंटिन्यू करूं। अगर आपको लगता है कि मैं लायक नहीं हूं, तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने लोगों को मैं इस हालत में छोड़कर मैं अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। आपने बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, और मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि जब मैं जाऊंगा दिल्ली में, ऑफिशियली अब ये बात हो गया है, जो मुझे मेरे खिलाफ बहुत चीज बोल रहे थे,
आज शायद उनका मुख भी बंद हो गया होगा, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव ऊपर वाले के पास देर है, अंधेर नहीं है, गॉड है ऊपर, देर इज गॉड, और गॉड भी देख रहा है कि ये अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा है, तो मैं जाकर बात करूंगा। मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूं कि हमारे अंदर लोभ नहीं है, लालच नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एक सोच है कि महाराजा वीर विक्रम ने जो आधुनिक त्रिपुरा के बारे सोचा था, जो आज हमारे यूथ के पास नहीं है, हमारे सीनियर्स के पास नहीं है, आज अगर हम उनको कुछ दे सकेंगे तो जब हम इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तभी भी आपका प्यार, आपका आशीर्वाद रहेगा हमारे साथ। इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट ईजी, इट इज वेरी टायरिंग, इट इज एग्जॉस्टिंग, बट इट इज योर लव, इट इज माई कमिटमेंट, इट इज आर कमिटमेंट टू गिव समथिंग टू अवर पीपल। अच्छा, कोई लोग बोलेंगे कि महाराज बंगाली का क्या होगा, वो भी तो ईडीसी में है। मैं बंगाली को भी बोलना चाहता हूं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि इसमें आपको हटाकर, आपको वंचित कर हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसी को घर जलाने से आपका खुद के घर में चूल्हा नहीं जलता, तो मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा में क्रिश्चियंस, हिंदूज, मुस्लिम्स, जाति जनजाति, हम सब आगे बढ़े। तो हम अस्पताल मांगेंगे, हम जमीन का राइट्स मांगेंगे, हम फाइनेंशियल फंडिंग मांगेंगे, हम अपना स्क्रिप्ट को, कौकती प्रासा हो, कावती प्रासा हो, हम उसको स्ट्रॉन्ग करने का डिमांड करेंगे, हम स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप मांगेंगे, हम यूनिवर्सिटी मांगेंगे, हम एयरपोर्ट मांगेंगे, हम नौकरी मांगेंगे, हम वो सब चीज मांगेंगे जिससे हमारा नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। हम किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते। और मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूं, दुश्मन बहुत है, आज ये सब संभव हुआ है, आज ये सब संभव हुआ है बिकॉज देयर वाज यूनिटी, एकता था, थानसा था। आज बहुत लोग थानसा को तोड़ने के पीछे हैं, उनका मकसद क्या है, उनका मकसद सेल्फिश रीजन से, स्वार्थ है। कोई मुझे हटाकर लीडर बनना चाहता है, कोई किसी और को हटाकर एमएलए बनना चाहता है, कोई किसी और को हटाकर पैसा कमाना चाहता है। अगर मुझे हटाकर किसी को शांति मिलता है, किसी को खुशहाली मिलता है, तो मैं हटने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे भगवान ने राजमहल भी दिया, एक अच्छे परिवार में भी पैदा किया और मेरे लोगों का प्यार भी मुझे दिया। मुझे अब अधिकार, राइट्स को के लिए बात करना है। ये मेरे लिए सर्टिफिकेट है कि हमने जो आंदोलन स्टार्ट किया था, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया और अब निमंत्रण भी कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा, अभी तक आई हैव स्पोकन टू एनजीओस, मैंने सिविल सोसाइटी से बात किया है, मैंने स्टूडेंट लीडर से बात किया है, मैंने लॉयर से बात किया है, मैंने एक्सपर्ट से बात किया है, मैंने सबसे बात किया है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर हम जीते तो ये तिपरा मोथा या मेरे पार्टी का जीत नहीं होगा। ये तिपरा मोथा इम्पोर्टेंट नहीं है, जाति इम्पोर्टेंट है, राज्य इम्पोर्टेंट है, राज्य के लोग इम्पोर्टेंट है, देश इम्पोर्टेंट है। और अगर पार्टी तो आएगा जाएगा, लेकिन अगर कम्युनिटी उठ गया तो कहीं ना कहीं ईश्वर के घर में भी, गॉड के वहां में भी हमको आशीर्वाद मिलेगा। आई एम नॉट सेल्फिश, आई वॉन्ट टू हेल्प माई पीपल। मेरा स्वार्थ, मेरा लालच पैसा नहीं है, अच्छा नाम है। तो हम और विजय रामखोल जाएंगे, बात करेंगे, पहला राउंड में क्या निकलेगा, दूसरे राउंड में फिर से बात होगा, तीसरा राउंड भी बात होगा, लेकिन अगर कुछ लेना है तो शॉर्ट टर्म मत सोचिए, लॉन्ग टर्म सोचिए। नागा टॉक्स भी 20 साल चला, अगर निगोशिएट करना है तो लंबा सोच के चलना पड़ेगा। हम T20 मैच नहीं खेल रहे हैं, हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और टेस्ट मैच में आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए और आपके अंदर लोभ और लालच नहीं होना चाहिए।